तो चंडीगढ़ पर हिमाचल अपना हक मांग रहा है। अब चंडीगढ़ में हिस्सा मांगेगा हिमाचल। बीबीएम के बाद चंडीगढ़ में हिस्सा मांग रहा है हिमाचल। और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर लिया गया है। कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार की अध्यक्षता में इस कमेटी को बनाया गया है। यहाँ आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी इसके सदस्य है कमेटी के, और कैबिनेट सब कमेटी सदस्य होंगे ऊर्जा सचिव। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि चंडीगढ़ और बीबीएमबी में हिमाचल के दावों की जांच ये कमेटी करने वाली है। ये कमेटी अपने रिपोर्ट तैयार कर केंद्र के सामने इस मुद्दे को उठाएगी। अब ये एक बड़ा मुद्दा है। बड़ी बात ये है कि देखिए, चंडीगढ़ पर हक जताने के इस मुद्दे पर कहा यह जा रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब चंडीगढ़ में हिमाचल अपना हिस्सा मांग रहा है तो इसके बाद कई ऐसे पक्ष हैं जिन्हें देखना और समझना महत्वपूर्ण है। यहां पर बड़ी बात यह है कि हिमाचल भी कभी पंजाब का हिस्सा था, और अब ये एक मुद्दा सियासी गलियारों में भी गूंज उठा है। खबरें अभी तक पर बोले कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कैबिनेट सब कमेटी गठित। कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। चंडीगढ़ और बीबीएमबी में हिमाचल के दावों की जांच ये कमेटी करेगी। अपनी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र के समक्ष ये मुद्दा उठाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने चंडीगढ़ में अपना हिस्सा मांगा है, और उसके साथ साथ जो बीबीएमबी प्रोजेक्ट है उसमें भी रॉयल्टी की मांग हिमाचल लगातार कर रहा है। और अब इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के लिए, पूरे रिकॉर्ड को खंगाल कर उठाने के लिए राज्य सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन है कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, और इनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई गई है। ये पूरे रिकॉर्ड को खंगालेगी और उसके बाद अपना दावा हिमाचल सरकार केंद्र के समक्ष पेश करेगी कि जो चंडीगढ़ में हिस्सा है हिमाचल का वो हमें मिलना चाहिए। क्या पूरा मामला है, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सर, आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, हिमाचल का क्या क्लेम है इसमें, और अभी इस इशू को उठाया गया है, क्या वजह हम माने कि इस वक्त इस इशू को रेज किया गया है, और आपको उम्मीद है कि हिमाचल का हिस्सा मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि आपने समय निकाला। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया, और जिसमें अध्यक्ष के रूप में जो है वो मुझे इसका पूरी जो है वो जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है। 1966 में जब हम पंजाब में थे तो उस वक्त रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 बना था, और उसमें कुछ जो है वो हिस्सेदारी के बाहर जो है वो कुछ एग्रीमेंट में बड़ी बड़ी बातें रखी गई थी। उस एग्रीमेंट में मुख्य अवधारणा बात ये रखी गई थी कि 1966 से पहले और 1966 के बाद कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनेगा उसमें 7.9% हिस्सेदारी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार की होगी। और उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है उसने कई जगहों के ऊपर इस बात को जो है वो उठाया, और उसमें कोई और भी बातें बहुत थी उसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो रिकमेंडेशन उस वक्त की कमेटी की हैं कि हमारी ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ख़त्म हुए हैं, हमारी कुलें ख़त्म हुई हैं, लोग जो है वो उजड़े हैं, उनको रिवैलिटेट किया जाए। और बहुत से लोग उस वक्त पौंग डैम के जो एरिया था लधून बेसन, उसके 1 लाख से ज़्यादा परिवार उजड़े थे, और उनके लिए कहा गया था कि इनको हम राजस्थान में रिवैलिटेट करेंगे, और वहाँ पर उनको अलॉटमेंट की गई, लेकिन वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से बड़े कम लोग जो हैं वो वहाँ सेटल हुए। अब भी वो डिस्प्यूट वैसे के वैसे खड़े हैं, और इसका पूरा का पूरा पानी जो है वो राजस्थान इरिगेशन के लिए जाना था, और इसकी बिजली जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को जानी। इससे पहले भाखड़ा बना, उसमें भी हमारे काफ़ी लोग बेघर हुए। उस वक्त भी भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ने यह कहा कि हम रिवैलिटेट करेंगे, सेटलमेंट करेंगे, कंपेंसेशन करेंगे। उस वक्त भी पंजाब में बड़े कम लोग जो है उनको सेटल किया गया। जब वीरभद्र सिंह ने जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो हमें भारत सरकार ने कभी मना नहीं किया कि आप अपने क्लेम के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो, और हमारा केस वहाँ एडमिट हुआ। और उस वक्त श्री शांता कुमार जी ने भी अप्रिशिएट किया कि
ये जो हिमाचल प्रदेश का क्लेम है ये राइट डायरेक्शन में है और ठीक टाइम के ऊपर जो है वो हमने इसको के, वो अभी जो है वो केस जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट में 3-4 हियरिंग हो गई हैं। कुछ स्टेटें सहमत हो गई हैं कि हम काइंड में पैसा नहीं दे सकते, हमारी बिजली का जो हिस्सा है शेयर आता है उसमें से हम कटौती करवा सकते हैं। तो अभी इसका मसला जो है वो अगली डेट पड़ी हुई है, तो हम जो है वो पॉलिटिकल लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी इसको हम टेकअप करेंगे और बड़ी जल्दी जो है इसका फैसला जो है हिमाचल के हक में। तो वही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ईएसजी सत्यपाल जैन का बयान के बीबीएमबी के मुद्दे पर बोले के सत्यपाल जैन, इंटरस्टेट रेट मुद्दा के ये सुलझाया जा सकता है, इसे इंटर पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए। देखिए चंडीगढ़ का जो बना था यूटी, ये विभाजन पंजाब का 1966 में हुआ। मैं उन दिनों खरड़ में था और 10वीं जमात का मैं स्टूडेंट था, तो सारा तनाव का वातावरण हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। इन वास्तव में जो चंडीगढ़ पंजाब का विभाजन हुआ था वो शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। शाह कमीशन ने सारी खरड़ तहसील हरियाणा को देने की सिफारिश की थी, लेकिन तब के पंजाब के कुछ नेताओं के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी ने चंडीगढ़ को यूटी बनाया। अब देखिए लगभग 50 वर्ष होने को आ गए हैं, पंजाब अपने खुशी है, हरियाणा अपने खुशी है, चंडीगढ़ ने अपने आप में ग्रो किया है, हिमाचल का अभी तक तो इस दौरान में मैंने कभी नहीं सुना कि हिमाचल वालों ने कभी अपना दावा किया है। मेरा एक निवेदन है, ये डिस्प्यूट इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, इंटर पार्टी नहीं है। जैसे पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल, आम, बीजेपी सबका एक ही स्टैंड है, हरियाणा में, हरियाणा के मामले में कांग्रेस का, अकाली दल का, बीजेपी का, सबका एक ही स्टैंड है, ऐसे चंडीगढ़ में सभी पार्टियों का लगभग एक स्टैंड है। इस इशू को राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर देश के और इस क्षेत्र के लोगों के हित में विचार करना चाहिए। अननेसेसरली कंट्रोवर्सी रखना, हमेशा टेंशन में रखना, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ मलविंदर कंग जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मलविंदर कंग जी, देखिए एक नया मुद्दा के चंडीगढ़ को लेकर अब हिमाचल अपना हक जता रहा है, आम आदमी पार्टी का क्या टेक रहेगा इस पर? देखिए हिमाचल का तो कोई अधिकार बनता ही नहीं है, ये तो हिमाचल की जो कांग्रेस सरकार है ये खाम खां का एक मुद्दा बना के एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं कि हिमाचल का लीगली कोई भी अधिकार जो चंडीगढ़ पे नहीं है। चंडीगढ़ क्योंकि पंजाब के जो गांव थे उनको उजाड़ के बसाया गया था पंजाब की कैपिटल के रूप में, और ये तो कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसने भी पहले पंजाब के साथ बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की कि हरियाणा को टेम्परेरली कुछ अधिकार दे दिए गए जिसके कि अभी तक जो है पंजाब जो है उसको भुगत रहा है। और भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सेंटर में दोनों की सरकारें रही हैं, पंजाब के साथ जस्टिस नहीं किया। लेकिन जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल के इस दावे को हम सिरे से नकारते हैं और ऐसी कोई भी वजह नहीं है जिसके कारण हिमाचल का कोई अधिकार चंडीगढ़ पे बनता हो। देखिए पंजाब से ही अलग होकर हिमाचल बना, हरियाणा बना, ये क्या बात हुई मलविंदर कंग जी कि इन दोनों का कोई अधिकार नहीं है, सारा अधिकार केवल पंजाब का रह गया? वो लोग जो हरियाणा चले गए वो कभी पंजाब के नहीं थे, वो लोग जो हिमाचल चले गए वो कभी पंजाब के नहीं थे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो ये है, हर हिमाचल ऑलरेडी एक सूबा एग्जिस्ट करता था, ये तो पंजाब के साथ आपके जो कुछ एरियाज हैं वो हिमाचल को दे दिए गए। हम तो डिमांड करते हैं जैसे जो ये एरिया है ऊना साइड का, ये पंजाब के एरिया है, पंजाबी बोलते एरिया है, लोग यहाँ की माम बोली भी पंजाबी है, ये वापस आने चाहिए। जहां तक हरियाणा की बात है, ये तो बड़ा स्पष्ट तौर पे रीऑर्गेनाइजेशन में फैसला हुआ था कि हरियाणा को 10 करोड़ रुपए दिए गए थे और 5 साल का समय दिया था कांग्रेस की उस समय की सरकार ने कि आप अपनी कैपिटल बसा लो, क्योंकि जो चंडीगढ़ है पंजाब की ही कैपिटल है। और आपने देश में भी देखा होगा हमेशा जो पेरेंट स्टेट रही है उसको कैपिटल मिली है, लेकिन पंजाबियों के साथ हमेशा जो है डिस्क्रिमिनेशन सेंटर की सरकारों ने की है, पहले कांग्रेस करती रही है अब भाजपा कर रही है। और ये जो चंडीगढ़ का इशू अभी इन्होंने उठाया हिमाचल ने, इसमें तो मुझे लगता है जो पंजाब कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा, क्योंकि वहां के प्रभारी भी हैं
हिमाचल की, वो भी इस साजिश में कहीं ना कहीं शामिल है। उनसे भी हमने सवाल किया है, प्रताप बाजवा जी आप पंजाब के होके और आपकी सरकार ये किस तरह की कमेटियां बना रही है और किस तरह के फरमान जारी कर रही है जो एंटी पंजाब है, तो पंजाब के लोग और पंजाब सरकार मान साहब की सरकार बिल्कुल हमको इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही उनका कोई अधिकार है। देखिए आने वाले दिनों में इलेक्शन भी आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड जो पंजाब के लिए है, क्या ये स्टैंड हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपनाएगी, हिमाचल में भी बनाएगी? चलिए इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वीरेंद्र चौहान बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। वीरेंद्र चौहान जी देखिए यहाँ मलविंदर कंग आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े, उन्होंने कहा किसी का कोई हक नहीं है चंडीगढ़ पर, चंडीगढ़ पर हक है तो केवल और केवल पंजाबियों का है, क्या कहेंगे? देखिए किसी का किसी पर हक या चंडीगढ़ पर किसी का हक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के निराधार बयान पर निर्धारित नहीं है, आश्रित नहीं है, इसके आधार पर तय नहीं होगा। जी चंडीगढ़ पर किसका अधिकार है ये तय हो गया था जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम बना। जी उस अधिनियम के तहत तब तक चंडीगढ़ पर हमारा हक है, वो कायम रहेगा, पंजाब और कोई भी दुनिया की ताकत उससे इनकार नहीं कर सकते जब तक हरियाणा को उसकी नई राजधानी बनाने के लिए उसका स्थान तय नहीं हो जाता और उसके लिए पैसा नहीं मिल जाता, क्योंकि उस विषय में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो चंडीगढ़ पे, चंडीगढ़ के रिसोर्सेज पर जो 40% हमारा अधिकार था वो आज भी है। अच्छा वीरेंद्र जी, इस वक्त हमारे साथ विजय डोगरा हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। विजय डोगरा जी आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो आपकी पार्टी ये कह रही है कि देखिए हमने कमेटी बना ली है, इस मुद्दे पर हम कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहते, अपना हक लेकर रहेंगे। इधर आम आदमी पार्टी पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है कि हिमाचल का तो कोई हक कोई अधिकार बनता ही नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए आपके लिए के दो चीजें बड़ी क्लियर है। जी जो हिमाचल का हक है 7.92% चंडीगढ़ में, जी तो हमारा हक मिलना चाहिए हमें। जी और उसकी लड़ाई हमने तो सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ी है। जी और प्रदेश सरकार ये चाहती है कि जो हमारा बनता है वो हमें मिले। जी हमको सारे चंडीगढ़ पे थोड़ी नहीं अपना अधिपत्य जमाना चाह रहे। जी देखिए जितना हरियाणा का बनता है हमारा बड़ा भाई है, जितना पंजाब का बनता है वो हमारा बड़ा भाई है। जी अगर छोटा पहाड़ी राज्य अपना अधिकार मांग रहा है जी तो इसके ऊपर कोई राजनीति की बात नहीं है। जी सवाल ये है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आप तो अधिकार मांग रहे हैं, इधर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऊना और ये आसपास का इलाका उल्टा हमें पंजाब को ही दे दो। अच्छा एक और बात आप ये बताइए, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है, तब कांग्रेस को याद नहीं आया कि हमारा भी अधिकार है चंडीगढ़ पर, तब कुछ कदम उठाए जाते? ऐसा नहीं है, 2013 में 2014 में यूपीए टूट गई थी जी और 2013 में हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी लड़ाई लड़ी थी जी और उस लड़ाई में हम लोग जब जीत के आए जी। उसके बाद तत्कालीन जो हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह जी उन्होंने 2016 में ये कहा था कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए और उस हक की लड़ाई डबल इंजन की सरकार तो लड़ नहीं सकी। अब सिंगल इंजन की सरकार अगर लड़ रही है तो इसमें राजनीति कहाँ है? हमारा 7.92% विजय डोगरा जी इस वक्त हमारे साथ जी हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं वीरेंद्र चौहान जी, उनका भी हम रुख करते हैं। चौहान जी ये तो कह रहे हैं कि हम अपने अधिकार के लिए न्यायालय तक गए, हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा तो बहुत पहले से ही लड़ाई लड़ रहा है, आज तक नहीं लगता है कि कोर्ट किस बात को पंजाब ने माना है, क्या लगता है ये जंग अब जारी रहेगी? देखिए सवाल थोड़ा सा और साफ होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ में क्या मांगता है? क्या चंडीगढ़ की जमीन मांगता है, चंडीगढ़ के मकान मांगता है, चंडीगढ़ की हवा मांगता है, पानी मांगता है? कुछ साफ होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की तरफ से मेरे ख्याल से इस दिशा में कुछ साफ नहीं किया गया है। दूसरी बात, पंजाब का ये अधिकार कौन से करार में, कौन से एग्रीमेंट में, कौन से एक्ट में एस्टैब्लिश होता है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है, कोई राजनीतिक बातें हो रही है। और ये जो कह रहे हैं हिमाचल के प्रवक्ता कांग्रेस के, और ये कह रहे हैं कि हमने अदालत में लड़ाई लड़ी और 11 में लड़ी और 13 में लड़ी और 14 में लड़ी, राजा वीरभद्र सिंह ने ये कहा या वो कहा, हो सकता है कहा हो कुछ राजा वीरभद्र सिंह जी ने, लेकिन 2011 और 13 तक 66 से आप कहां थे साहब? अगर आपका कोई जेन्युइन क्लेम था तो आप अदालत में खड़े हुए थे क्या? और अदालत में खड़े हुए थे तो वो फैसला दिखाइए जो आपके हक में आया।
हरियाणा तो चलिए डोगरा साहब, अब चौहान साहब ने बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछ लिया के 66 से लेकर सालों तक इस मुद्दे पर मौन रखे, अब इलेक्शन आने वाला है, अब ये मुद्दा उठा लिया है, उसमें भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि हमें चंडीगढ़ से चाहिए क्या के, साफ कीजिए आप, ये पॉलिटिकल स्टैंड तो नहीं है। चौहान चौहान साहब जो कह रहे हैं ना जी, क्योंकि 66 से लेके आज दिन तक हम लोगों ने जब हम सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हुआ, तभी तो कह रहे हो 7.92% हमारा हिस्सा बनता है। हम लोगों ने अभी बीबीएमबी से भी हमने लड़ाई लड़ी, उसमें भी हम लोगों को पहले तो पानी नहीं उठाने देते थे, अब हम वहां से पानी भी उठा रहे हैं और हमारी स्कीमें भी बन रही है पानी की। सवाल ये है कि जो चंडीगढ़ में जो 66 का जो ड्राफ्ट है उसमें उसमें हिमाचल, पंजाब और हरियाणा इन तीनों का ही शेयर था, लेकिन क्योंकि हमारा पहाड़ी राज्य छोटा राज्य था इसलिए हमें उस समय ये फैसला हुआ कि इतनी परसेंटेज हम आपको देंगे। और लेकिन, हमारे जो कर्मचारी लेकिन डोगरा साहब चौहान जी तो ये कह रहे हैं कि 66 के बाद सालों लग गए, आपको याद ही नहीं आया, हिमाचल कांग्रेस को बड़ी देर में जाकर याद आया कि हमारा अधिकार है और अब हम लड़ेंगे। 71 में जब पूर्ण राज्य का दर्जा हमें मिला जी, उसके बाद हमें तो हमारे हिमाचल को पहले तरक्की के रास्ते पे लेके जाना था, पर तरक्की के रास्ते पे ले जाते जब हमें लगा कि हमारा शेयर हमें मिलना चाहिए, तभी तो लड़ाई हमने लड़ी। और आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, प्रदेश के पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उन दोनों से बात वो कर चुके हैं और उन्होंने तब भी ये कहा था, क्योंकि वाटर सेस को लेके बड़ी बड़ा गहमा गहमी रही पिछले दिन, उस सारे इश्यूज पे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े साफ तौर पर कहा कि हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपना जो 7.2% हमारा बनता है जी, 7.92% बनता है। चौहान साहब कुछ बोल रहे हैं, डोगरा जी चौहान साहब कुछ बोल रहे हैं, एक अंतिम रिएक्शन जी चौहान साहब डोगरा साहब, क्योंकि आपके वक्तव्य में भी, हिमाचल प्रदेश के किसी आधिकारिक वक्तव्य में ये आंकड़ा तो आ गया 7.2 का, लेकिन क्या भाई क्या चाहिए आपको वहाँ, पेड़ चाहिए, जमीन चाहिए, मकान चाहिए, क्या किस चीज पर आप क्लेम डाल रहे हैं ये 7.2% ऑफ व्हाट? उसके लिए देखिए ना, पीजीआई है, पीजीआई में हमारे एचएएस अधिकारी उस कोटे के तहत वहाँ पे सर्विसेज देते हैं जी। वैसे ही हमारे और भी एजुकेशन से जुड़े हमारे टीचर 7.92% के हिसाब से वहाँ अपनी सेवाएं देते हैं ऑन डेपुटेशन। अगर हमारा कोई अधिकार क्षेत्र है तभी देते हैं ना। और अगर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जो सब कमेटी गठित की है, उस सब कमेटी में गठित जो भी सब कमेटी अभी रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट पर कहीं जाकर रिपोर्ट देगी, उसके बाद ये सारा फैसला होगा। बिल्कुल विजय डोगरा जी, आपने अपनी बात रखी है, बहुत शुक्रिया। और वीरेंद्र चौहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया। इधर पंजाब की आम आदमी पार्टी का कहना है कि कोई अधिकार बनता ही नहीं है, और हरियाणा बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बड़ी देर लगा दी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आते आते। बढ़ते